हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और मेकअप स्टार्ट करते हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अपने फेस को मेकअप करने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है, या तो क्लींजिंग करना है। अगर क्लींजिंग नहीं करना है तो आप वेट वाइप से वाइप कर सकते हैं फेस को। मेरा फेस क्लीन था, फिर भी मैं वेट वाइप से क्लीन कर रही थी। लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेंगे ताकि अच्छे से लिप्स रहे, चैपी चैपी ना लगे, चैप लिप्स ना लगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है टोनर, और टोनर जो है वो रोज़ वाटर। आप कोई भी टोनर अपने स्किन अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मैं हाथ की मदद से ही अपने फेस में लगा लूँगी। लगाने के बाद यूज़ करूँगी मैं सीरम, और सीरम यहाँ पर मैंने ले लिया है लॉरेल का सीरम बैकग्राउंड नॉइज के लिए। सॉरी, घर में थोड़ा काम चल रहा है तो इग्नोर नहीं कर सकते। सीरम जो है वो अच्छे से फेस में लगा लेंगे ताकि फेस जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है मॉइस्चराइज़र। ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन है मेरा, तो यहाँ पर मैंने लिया है पॉन्ड्स सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र। अगर आपका भी ऑयली सेंसिटिव स्किन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। यहाँ पर पूरे फेस में लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है प्राइमर, और प्राइमर आपके स्किन अकॉर्डिंगली, स्किन टाइप अकॉर्डिंगली आप यूज़ करेंगे प्राइमर। यहाँ पर मैंने लिया है PSC का प्राइमर, जिससे पोर्स जो है वो फिलअप हो जाता है, पोर्स जो है बहुत ही स्किन स्मूथ हो जाता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है मार्स का प्राइमर हाइलाइटर, और उसके बाद लिया है मैंने फाउंडेशन, मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन, और फिंगर में ही ब्लेंडिंग करके ब्यूटी ब्रश की मदद से पूरे फेस में लगा लूँगी। ये मार्स का जो ब्रश है ना, मुझे तो बहुत बहुत पसंद आया है। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। मैंने लोकल ब्रश वगैरह यूज़ किया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा। अगर आपसे भी मेरी तरह गलती हो जाता है, ज़्यादा फेस में फाउंडेशन लगता है, आपको लग गया है, या थोड़ा सा इवन आउट करना है, लग रहा है कि सादा सादा ज़्यादा लग रहा है, फाउंडेशन ज़्यादा हो गया, तो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से फेस में टैप टैप कीजिएगा ना, तो वो कवर अप हो जाता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है कंसीलर, जहाँ जहाँ हायर पॉइंट्स है वहाँ वहाँ लगाने के लिए कंसीलर लगा लेंगे। और ब्रश की मदद से यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो अगर आप आपका डार्क सर्कल्स हो रखा है तो उस सबसे पहले आपको यूज़ करना है कलर करेक्टर। कलर करेक्टर यूज़ कर लेंगे, उसके बाद जो है ना फेस जो है थोड़ा इवन आउट हो जाएगा, तो आप आराम से मेकअप कर सकते हैं। फिर ये आपको कलर करेक्टर यूज़ करना है फाउंडेशन से पहले और प्राइमर के बाद। यहाँ पर मैंने ले लिया है लूज़ पाउडर, और पूरे फेस में अच्छे से लगा लेंगे ताकि बेस जो है वो सेट हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे ब्रॉन्ज़र, और ब्रॉन्ज़र से ना फेस को थोड़ा सा शेप में लाएंगे, क्योंकि मेरा फेस जो है ना थोड़ा गोल गोल फेस है, तो मुझे थोड़ा सा शेप में लाना पड़ता है। डबल चिन भी हो रखा है, फेस का एक्सरसाइज करके थक गए हैं, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। फेस अगर पतला हो गया तो मेरे को देखने में भी और अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं फेस के ऊपर। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैलेट, और ये जो पैलेट है ना, इसमें ब्लश है, कंटूर है और हाइलाइटर है, तो मेरे पास 3 in 1 एक में आ जाता है, तो मेरे को बहुत सही लगता है कोई भी मेकअप करने के लिए। फटाक से एक पैलेट निकालती हूँ और फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ से ही मैंने ले लिया है ब्लश, और यहाँ से ही मैंने ले लिया है कंटूर पाउडर, और अच्छे से फेस का रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आई शेडो पैलेट और लैवेंडर शेड जो है वो आईलिड में लगा लेंगे। आईलिड में अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग करने के बाद देखिएगा, मेरे एक्चुअली ये जो शेड है ना, मेरे ड्रेस से मैचिंग शेड है, तो इसलिए यही यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं लूँगी और एक पैलेट, आई शेडो पैलेट, वो है मार्स का आई शेडो पैलेट। तो ये जो आई शेडो पैलेट है ना, ये बस ये सिल्वर शेड के लिए मैंने परचेज़ किया था, मुझे ये शेड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो यहाँ पर ले लेंगे इनर कॉर्नर से मिड ऑफ द आई तक लगाना है ये शेड, और अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। मैंने फ्लैट ब्रश से ये लगाया था, आपको बाद में पता चलेगा कितना अच्छा से टर्न आउट हो गया। आई मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में मुझे थोड़ा सा डल लग रहा था, तो थोड़ा सा और लेके मैं लैवेंडर शेड लगा दी थी ताकि ठीक लगे देखने में। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है आई शेडो फिलर, या आप कोई भी ब्लैक शेड ले सकते हैं, और एज आई लाइनर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। स्मज टाइप लुक चाहिए था मुझे, आई लाइनर यूज़ करने का मन नहीं था। तो यहाँ पर लेके मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूँगी धीरे धीरे करके,
ताकि थोड़ा सा स्मज टाइप लगे, और फिर इनर कॉर्नर वाटर लाइन में भी लगा लूँगी। फिर यहाँ पर अच्छे से ब्लेंडिंग करना है ताकि ठीक लगे देखने में। दोनों आईज़ में लगाने के बाद फिर मुझे याद आया कि आईब्रो भी फिलिंग करना है, तो उसी समय आईब्रो फिलिंग कर लेंगे और फिर स्पूली की मदद से अच्छे से ब्रश कर लेंगे ताकि एक्सेस ना लगे देखने में। यहाँ पर मैंने लगा लिया है काजल ताकि आईज में थोड़ा सा और अच्छा लगे देखने में। तो धीरे धीरे मेकअप कंप्लीट होगा, एक बार में मत समझिए क्या ही मेकअप हो गया है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा लास्ट तक। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मस्करा और अपने आईज को थोड़ा सा अपलिफ्ट करूँगी। आप चाहे तो फॉल्स लैशेज यूज़ कर सकते हैं, मैं फॉल्स लैशेज यूज़ नहीं कर रही हूँ। हल्का हल्का सा लगा लेंगे, और मुझे ये मार्क्स का ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अच्छा लगता है ये मस्करा। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाइलाइटर, हाइलाइटर जो है हायर पॉइंट्स पे लगा लेंगे ताकि फेस जो था शिमरी लगे और देखने में अच्छा लगे। तो मेकअप जो है ये हो ही रहा था, और ये मेकअप ना मैंने रात को किया था, रात का एक्चुअली 1:30 बज रहा था उस समय, 1:30 2 बज रहा था उस समय। यहाँ पे लिप लाइन कर लेंगे, मार्स का लिपस्टिक लिप लाइनर है, और उसके बाद ना थोड़ा सा पिंक शेड देंगे, लवर्थ का पिंक शेड है मेरे पास लिपस्टिक का, तो मैंने इसका भी रिव्यू किया है। अगर आपको शेड चाहिए, 9 शेड्स है इसमें, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, वीडियो जो है मेरे चैनल पर है। यहाँ पर मैंने ले लिया है लिप्स ग्लॉस हल्का सा ताकि लिप्स जो थोड़ा सा ग्लॉसी लगे। मुझे ग्लॉसी लिप शेड में मेकअप ना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं कि मुझे लगता है मेरे फेस में ज़्यादा अच्छा लगता है ये। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ये रहा मेरा फाइनल लुक, तो चल ही रहा था ये, और फिर मुझे याद आया कि अभी भी एक्सेसरीज नहीं यूज़ किया है मैंने, बस मेकअप का ही ये लुक दिखा रही थी मैं। फिर मैंने ले आया अपने लिए इयर रिंग, और तो यहाँ पर मैंने इयर रिंग पहन लिया, और ये रहा मेरा वॉच। और इसको इस तरह से करने के बाद तो मुझे लग रहा था मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो गया। आप इस तरह से कोई भी फेस्टिव हो या कोई पार्टी हो, आप आराम से रेडी होके जा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये लुक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।